गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे बीकॉम सेकंड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स में हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, आयकर पदाधिकारी आज हम आपको पढ़ाएंगे। अंडर सेक्शन कितना है इसका, 116, अंडर सेक्शन 116। सबसे पहले आयकर पदाधिकारी कितने होते हैं, दो होते हैं, इनको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। ए है हमारा कौन सा, कार्यकारी कर्मचारी, और बी है हमारा न्यायाधिक कर्मचारी। कार्यकर कर्मचारी कौन होते हैं कि कर से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, कर से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं, टैक्स के रिलेटेड कार्यालय में जितने भी कार्य होते हैं वो कार्यकारी कर्मचारी ही कार्य करते हैं। जैसे कि टैक्स भरवाना या टैक्स का कितने परसेंट कौन टैक्स भरने आ रहा है, इस प्रकार के कार्य कौन करता है, कार्यकारी कर्मचारी। अब न्यायाधीश कर्मचारी कौन होते हैं, न्यायाधीश कर्मचारी वह कर्मचारी होते हैं ये करते तो टैक्स में ही कार्य हैं, लेकिन किस संबंध से काम करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति टैक्स नहीं भर रहा है उस पर किस प्रकार की कार्यवाही करना चाहिए, या कौन लेट हो रहा है, या कोई देर समय बीत जाने के बाद टैक्स की पूर्ति करता तो उस पर किस प्रकार की कार्यवाही, किस प्रकार से छूटे देना है। तो ये जो न्याय से संबंधित कार्य होते हैं, जो न्याय या फिर दंड दिलवाना या आदि, ये सब न्यायाधीश कर्मचारी करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपना कर समय पर नहीं भर रहा है तो उस पर किस प्रकार से ब्याज लिया जाएगा, या कोई अपना कर भर ही नहीं रहा है तो उस पर कैसे प्रकार का कार्य लिया जाएगा, तो ये करते हैं न्यायाधीश कर्मचारी काम। और कार्यकारी कर्मचारी जो उससे इसके अलावा जितने भी कार्य होते हैं, न्याय के अलावा जितने भी कार्य होते हैं वो कार्यकारी कर्मचारी ही कार्य करते हैं। तो हमारे कर्मचारी कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के, एक कार्यकारी कर्मचारी और दूसरे न्यायाधीश कर्मचारी। न्याय को छोड़कर जितना भी कार्य होता है तो वो कौन से कर्मचारी करते हैं, कार्यकारी कर्मचारी ही पूरा करते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि सबसे पहले अपन पदाधिकारी पढ़ते हैं, सबसे टॉप से लास्ट तक। तो अपन सबसे पहले अपन कौन सा है, अंडर सेक्शन, यहीं लिख देते हैं अपना है अंडर सेक्शन 116 में। सबसे पहला जो कार्यालय है वो कौन सा है अपना, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर, इसको सबसे पहला कार्यालय माना जाता है। तो इसमें अपन लिखेंगे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर। क्या होता है, ये एक बोर्ड संस्था होती है, एक बोर्ड मतलब इस संस्था में जितने भी लोग होते हैं यह सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। यह कौन सी संस्था है, यह सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, कार्यालय की मतलब कर की, टैक्स से संबंधित सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। इसके नीचे कौन सी आती है, आयकर प्रधान मुख्य निर्देशक जनरल। इसके नीचे कौन सी आती है, फिर आती है आयकर प्रधान मुख्य निदेशक जनरल। फिर इसके सबसे पहले कौन सी संस्था आती है, ये। फिर इसके नीचे कौन सी संस्था आती है, आयकर प्रधान मुख्य निदेशक जनरल। अब जो हमारी इस, ये कौन सी है, टॉप वन। इसके नीचे की हम पढ़ते जाएंगे। इसके बाद कौन सी संस्था आती है अपनी, आयकर महानिदेशक। जो आयकर महानिदेशक संस्था होती है इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है, मुख्य आयकर आयुक्त। अब पढ़ेंगे अपन इससे नीचे वाली, इसके नीचे कौन सी संस्था आती है अपनी, आयकर प्रधान निर्देशक। इसको क्या कहते हैं अपन, इसका भी एक और नाम है, इसको भी आयकर प्रधान आयुक्त के नाम से जाना जाता है, आयकर प्रधान आयुक्त। इसके बाद जो हमारी संस्था है वो है अतिरिक्त आयकर निदेश, अतिरिक्त
अतिरिक्त आयकर निदेशक, इसको भी एक और नाम से जाना जाता है, अतिरिक्त आयकर आयुक्त, अतिरिक्त आयकर आयुक्त। इसके बाद जो हमारी संस्था आती है वो है आयकर संयुक्त निदेशक, आयकर संयुक्त निदेशक। इसको भी हम एक और नाम से जानते हैं, क्या है, आयकर संयुक्त आयुक्त, आयकर संयुक्त आयुक्त। फिर इसके नीचे कौन सी संस्था आती है, इसके नीचे जो संस्था आती है वो उपनिदेशक आयकर, कौन सी है, उपनिदेशक आयकर। इसको उप आयुक्त आयकर भी कहते हैं, उप आयुक्त आयकर। इसके बाद जो हमारी संस्था है वो कौन सी है, इसके बाद जो हमारी संस्था है वो है उपनिदेशक आयकर, उप निदेशक आयकर। इसको उप आयुक्त आयकर भी कहते हैं, उप आयुक्त आयकर। इसके बाद जो संस्था है वो कौन सी है, सहायक निदेशक आयोग, आयकर आयोग। फिर इसको सहायक आयुक्त आयकर भी कहते हैं, सहायक आयुक्त आयकर। और फिर इसके नीचे जो संस्था आती है वो कौन सी है, अपनी आयकर अधिकारी, इसके नीचे जो संस्था आती है वो है आयकर अधिकारी, आयकर अधिकारी। जो आयकर अधिकारी होते हैं इस पर जो पहले जो सबसे पहली अपनी संस्था है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसका पूरा नियंत्रण होता है, ये सबसे पहली संस्था होती है। इसमें जितने भी कार्यरत कर्मचारी होते हैं उनकी इन सभी पर क्या होता है, नियंत्रण होता है, वो इन सभी पर नियंत्रण रखते हैं। मतलब अपना कार्य, मतलब ये लोग अगर कुछ काम नहीं कर रहे हों या गलती से कर रहे हों या कोई गड़बड़ी से कर रहे हों तो ये अपना सजेशन सबको दे सकता है। नेक्स्ट है अपना कर वसूली अधिकारी, इसके नीचे है कर वसूली अधिकारी। फिर है अपना आयकर निरीक्षण, आयकर, ये कर वसूली अधिकारी कौन होते हैं, जो टैक्स को इकट्ठा करते हैं, टैक्स को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। उसके बाद है आयकर निरीक्षण, आयकर निरीक्षण, ये हमारे क्या है, आयकर पदाधिकारी। ये टॉप सबसे पहले कौन सा आता है, अपना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर, फिर उसके बाद आयकर प्रधान मुख्य निर्देशक जनरल, फिर उसके बाद आयकर महानिदेशक मुख्य आयकर जनरल। ये दोनों, ये जितनी भी पोस्टें हैं, जितनी भी नियुक्ति हैं, ये जितने भी आयकर पदाधिकारी लिखवाए गए हैं, ये कार्यकर कर्मचारी भी होते हैं और न्यायाधिक कर्मचारी भी होते हैं, ये दोनों प्रकार के कर्मचारी होते हैं। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए।